हेलो स्टूडेंट्स, विल डिस्कस अबाउट सम टर्म्स लाइक डिफिकल्ट एयरवे, डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन, व्हाट इज डिफिकल्ट लैरिंजोस्कोपी एंड डिफिकल्ट एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन। हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स के बारे में, ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे कि डिफिकल्ट एयरवे क्या होते हैं, डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन क्या होती है, डिफिकल्ट लैरिंजोस्कोपी क्या होती है और डिफिकल्ट इंट्यूबेशन क्या होती है, एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एयरवे के बारे में, एयरवे एक पैसेज होती है जिसके थ्रू एयर या गैसेस पास होते हैं ज्यूरिंग रेस्पिरेशन। एनाटॉमिकली एयरवे मे बी डिफाइंड एज द पैसेज थ्रू विच द एयर पासेज ज्यूरिंग रेस्पिरेशन। इट मे बी डिवाइडेड इंटू अपर एंड लोअर एयरवे। ये डिवाइड की जाती है, एयरवे जो होती है दो टाइप्स होते हैं, डिवाइड होते हैं इसके, एक होती है अपर एयरवे, दूसरी होती है लोअर एयरवे। तो अपर एयरवे में जब हम बात करेंगे, अपर एयरवे कंप्राइजेस माउथ, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, फेरिंक्स एंड लैरिंक्स। तो ये जो होता है अपर एयरवे में, माउथ आता है, नेजोफेरिंक्स आता है, ओरोफेरिंक्स आता है, फेरिंक्स आता है और लैरिंक्स आता है, ठीक है। तो ये मोस्ट वल्नरेबल एरिया होता है, जो कि एरिया होता है जो जहाँ पे ओबस्ट्रक्शन हो सकती है या ट्रामा हो सकता है ज्यूरिंग लेरिंजोस्कोपी। जब भी हम लेरिंजोस्कोपी के दौरान इस एरिया में, अपर एयरवे में ट्रामा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपर एयरवे में माउथ आता है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, फेरिंक्स एंड लैरिंक्स। दूसरा जो है दैट इज़ लोअर एयरवे। लोअर एयरवे में ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स एंड फाइनली एल्वियोलाई, ठीक है। तो लोअर एयरवे में क्या क्या आता है? ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स एंड एल्वियोलाई। एपिग्लॉटिस जो होती है, जो कि सेपरेट करता है लैरिंक्स को फ्रॉम द हाइपोफेरिंक्स, ठीक है। एपिग्लॉट्स एक ऐसा एरिया, ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेपरेट करता है लैरिंक्स को फ्रॉम द हाइपोफेरिंक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सो दिस इज एयरवे। एयरवे क्या होती है? एयरवे पैसेज होती है जहाँ से एयर पास होता है ज्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान जहाँ से एयर पास होता है उसको हम कहते हैं एयरवे, ठीक है। इसमें अपर एयरवे होती है और लोअर एयरवे। तो एयरवे जो होती है, एयरवे मैनेजमेंट में जब भी किसी पेशेंट को हम एनास्टाइज करते हैं, कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना होगा, तो एनास्थीजिया पर्पस के लिए या एनास्टाइज करने के बाद पेशेंट की जो एयरवे होती है वो मेंटेन करनी होती है, उसको मैनेज करना होता है, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। वेंटिलेशन पर्पस के लिए कुछ आर्टिफिशियल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं जिसमें एंडोट्रेकल ट्यूब्स आते हैं, एलएमएज, मास्क आते हैं, तो जिसमें लैरिंजल मास्क एयरवे जो होती है, ओरोफेरिंजल एयरवे, नेजोफेरिंजल एयरवे, लैरिंजल मास्क एयरवे या दूसरे जो एंडोट्रेकल ट्यूब्स होते हैं वो हम एयरवे मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे डिफिकल्ट एयरवे में, नॉर्मल एयरवे क्या होती है? पैसेज थ्रू विच द एयर पासेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। डिफिकल्ट एयरवे क्या होती है? डिफिकल्ट एयरवे एक क्लिनिकल सिचुएशन होती है जिसमें एक ट्रेन्ड एनेस्थीजियोलॉजिस्ट डिफिकल्टी फेस करता है विद मास्क वेंटिलेशन। पेशेंट को मास्क वेंटिलेशन करनी है लेकिन एनेस्थीजियोलॉजिस्ट को डिफिकल्टी हो रही है, या डिफिकल्टी विद ट्रैकियल इंट्यूबेशन, पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं कर पा रहा है, या दोनों सिचुएशंस अराइज होगी, पेशेंट को ना ही वो इंट्यूबेट कर पा रहा है ना ही मास्क से वेंटिलेट कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिफिकल्ट एयरवे सिचुएशन, डिफिकल्ट एयरवे। अब इसी तरह डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन क्या होती है? तो डिफिकल्ट एयरवे में दोनों आते हैं, डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन, डिफिकल्ट ट्रैकियल इंट्यूबेशन। डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक अनअसिस्टेड एनेस्थीजियोलॉजिस्ट को ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वो पेशेंट की जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो मोर देन 90%
मेंटेन करे, पेशेंट की जो सैचुरेशन होती है ऑक्सीजन सैचुरेशन मोर देन 90% उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है यूजिंग 100% ऑक्सीजन। 100% ऑक्सीजन एनेस्थीजियोलॉजिस्ट यूज़ कर रहा है लेकिन पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पा रही है। ठीक है, जिस पेशेंट में ऑक्सीजन सैचुरेशन उससे पहले एनेस्थेटिक इंटरवेंशन से पहले 90% से ज़्यादा थी, पेशेंट में पहले 90% से ज़्यादा सैचुरेशन थी लेकिन एनेस्थेटिक इंटरवेंशन के बाद अब एनेस्थीजियोलॉजिस्ट उसकी सैचुरेशन 90% से ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहा है यूजिंग 100% ऑक्सीजन, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिफ़िकल्ट मास्क वेंटिलेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अनअसिस्टेड एनेस्थीजियोलॉजिस्ट टू मेंटेन ऑक्सीजन सैचुरेशन मोर देन 90% यूजिंग 100% ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव प्रेशर मास्क वेंटिलेशन इन अ पेशेंट हुज ऑक्सीजन सैचुरेशन वॉज मोर देन 90% बिफोर एनेस्थेटिक इंटरवेंशन। ठीक है, तो डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन ऐसे सिचुएशन होती है जिसमें एक एनेस्थीजियोलॉजिस्ट पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहा है यूजिंग 100% ऑक्सीजन, लेकिन उसी पेशेंट की जो ऑक्सीजन सैचुरेशन थी एनेस्थेटिक इंटरवेंशन से पहले 90% से ज़्यादा थी। अब उसके बाद डिफ़िकल्ट लैरिंजोस्कोपी, डिफ़िकल्ट लैरिंजोस्कोपी को कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है। डिफ़िकल्ट लैरिंजोस्कोपी मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विजुअलाइज एनी पोर्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स विद कन्वेंशनल लैरिंजोस्कोप। एक एनेस्थीजियोलॉजिस्ट या लैरिंजोस्कोपिस्ट लैरिंजोस्कोप यूज़ करता है, कॉन्वेंशनल लैरिंजोस्कोप यूज़ करता है लेकिन उसको ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वो कोई भी पोर्शन वोकल कॉर्ड्स का देख पाए, उसको वोकल कॉर्ड्स का कोई भी पोर्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को हम कहते हैं डिफ़िकल्ट लैरिंजोस्कोपी। जिस सिचुएशन में एक लैरिंजोस्कोपिस्ट लैरिंजोस्कोप यूज़ करने के बाद वोकल कॉर्ड्स का कोई स्ट्रक्चर नहीं देख पा रहा है। ठीक है, सो डिफिकल्ट लैरिंजोस्कोपी मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विजुअलाइज एनी पोर्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स विद कॉन्वेंशनल लैरिंजोस्कोप। इसी तरह डिफिकल्ट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीजियोलॉजिस्ट डिफिकल्ट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन मीन्स प्रॉपर इंसर्शन ऑफ ट्रैकियल ट्यूब विद कॉन्वेंशनल लैरिंजोस्कोपी रिक्वायर्स मोर देन 3 अटेम्प्ट्स और मोर देन 10 मिनट्स। डिफिकल्ट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है, क्लिनिकल सिचुएशन, जिसमें ट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करने में आपको मोर देन 3 अटेम्प्ट्स चाहे 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा लग रहे हैं या 10 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिफ़िकल्ट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। एक एनेस्थीजियोलॉजिस्ट 3 अटेम्प्ट्स कर चुका है, उसे 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा चाहिए इंट्यूबेट करने के लिए लग रहे हैं या 10 मिनट से ज़्यादा, जिसमें वो ब्लेड्स भी चेंज कर रहा है, लैरिंजोस्कोप के डिफरेंट टाइप्स ब्लेड्स यूज़ कर रहा है लेकिन वो पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिफ़िकल्ट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो हमने डिस्कस किया 4 टर्म्स, डिफ़िकल्ट एयरवे दैट मीन्स अ क्लिनिकल सिचुएशन इन विच अ कन्वेंशनली ट्रेनड एनेस्थीजियोलॉजिस्ट एक्सपीरियंसिस डिफ़िकल्टी विद मास्क वेंटिलेशन, डिफ़िकल्टी विद ट्रेकियल इंट्यूबेशन और बोथ। दूसरा, डिफ़िकल्ट मास्क वेंटिलेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द अनअसिस्टेड एनेस्थीजियोलॉजिस्ट टू मेंटेन ऑक्सीजन सैचुरेशन मोर देन 90% यूजिंग 100% ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव प्रेशर मास्क वेंटिलेशन इन अ पेशेंट हुज ऑक्सीजन सैचुरेशन वॉज मोर देन 90% बिफोर एनेस्थेटिक इंटरवेंशन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ डिफ़िकल्ट लैरिंजोस्कोपी, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विजुअलाइज एनी पोर्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स विद कॉन्वेंशनल लैरिंजोस्कोप। एंड लास्ट में जो कि हमने डिस्कस किया दैट इज डिफिकल्ट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन प्रॉपर इंसर्शन ऑफ ट्रैकियल ट्यूब विद कॉन्वेंशनल लैरिंजोस्कोपी रिक्वायर्स मोर देन 3 अटेम्प्ट्स और मोर देन 10 मिनट्स। तो ये हमने ब्रीफ इनके बारे में डिस्कस किया, बाद में हम
डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कैसे ऐसी सिचुएशंस को हम मैनेज करेंगे और क्या रीजंस होते हैं ऐसे सिचुएशंस जिसे अराइज होते हैं, वो हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।